और अगर कोई बोलता, बोलता है, है तो उसका तो इलाज अच्छे से करता हूँ ऑफ कैमरा हूँ एक घंटा अपनी फिटनेस के लिए जो शरीर जिसे पूरा लाइफ टाइम हमारे साथ चल रहा है उसके लिए अगर हमें घंटा नहीं निकाल सकते तो फिर मैं नहीं निकालता सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है अभी एक गाना ही गाया है खा के बॉडी बन जा दो महीने में मन किया बना के ना बदमाशों के पैर से अच्छा माँ बाप के पैर छोड़ सकता साल कहने वाले पहले आप से लोग कितने महीनों बन जाए अच्छा महीने अगर, अगर मैं किसी को नहीं बता सकता तो मैं किसी को बुरा बिल्डिंग बहुत प्यारी चीज़ है मैं अब भी कहीं जाता हूँ मतलब तो एक बार ऐसे करके कोई चलता फिर नमस्कार दोस्तों मैं अनुप चहल आपके अपने पॉडकास्ट कार्ड फरीद में आज के जो हमारे गेस्ट हैं नितिन भाई

एक होता है अलग जैसे मैं प्रोफेशनली करता हूँ तो इसमें तो आपको अपना आधा जीवन देना पड़ेगा जैसे कि सपोज कि मैं चालीस साल एक ऐसे होते है एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती हाँ। जैसे आप भी आज यहाँ बैठे हो तो आपको पहले आपको इस चीज की भूख होगी बट आज आपके पास ये है तो आपको कुछ भी नहीं लगता होगा हाँ, यार यही तो है और ऊपर जाना है तो बॉडी का सेम वही होता है मेरा जब मैंने सेम अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में आया था तो मेरा ये था कि नितिन पंद्रह सोलह के हाथ हो जाए और पंद्रह सोलह इंच हो जाए बस कोई दिक्कत ही नहीं वो हो गए फिर वो छोटे लगने लगे मैंने और कुछ हो जाए फिर मैंने चल प्रोफेशनली करके देखते हैं तो उसमें भी अच्छा हो गया तो लोगों को पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी आपको चाहिए कौन सी लोग इसमें भी कंफ्यूज है हाँ, इसमें भी अलग 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 कैटेगरी एक जैसे मैं प्रोफेशनली कर रहा हूं, तो मैं भैया बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ ये मेरा जीवन है एक आप हो आप फिट बैठे हो अपने नीचे अपना जिम बना रखा एक ये वाली होती है तो महीने में नहीं लगती ये होती है कि जैसे पेड़ को धीरे धीरे पानी देते हैं ना वो धीरे धीरे बड़ा होता है ज्यादा आप एकदम पानी डालोगे तो कीचड़ हो जाएगी तो वही ये वाला काम है धीरे धीरे बॉडी बनती है टाइम अच्छी बॉडी के लिए आपको कम से कम तीन से चार साल चाहिए तीन से चार साल चाहिए मतलब, रेगुलर देने पड़ेंगे उसमें प्रॉपर डाइट प्रॉपर सब कुछ जैसे आप अपने काम के प्रति लॉयल होते हो ओके okay. मतलब वो कि आपको ना खुद को भी टाइम देना पड़ेगा साल की भाई अपने अगर आदमी खुद को ही अपना दिन में एक घंटा खुद के लिए नहीं निकाल पा रहा तो जीवन ही क्या जी रहा फिर वो बहुत बड़ी बात कही है भाई यार अगर चौबीस घंटा में तो आप घंटा अपनी फिटनेस के लिए जो शरीर जैसे पूरे लाइफ टाइम हमारे साथ चलना है

बिल्कुल कम कम होता रहा और उसे निकालते भी रहेंगे फिर जी, फिर जी वो धीरे हाँ, तो, तो रात पहले बिल्कुल मतलब जैसे मेरा बारा और आज के बारह बज रहे हैं, तो चार बजे से मैं बिल्कुल पानी नहीं पीऊंगा तो इन लोगों ने एक हवा बना रखी है की तीन तीन दिन तक लोग पानी नहीं पीते हाँ, क्योंकि भाई ये काफी क्वेश्चन ना लेकिन ये है इसका मैथी वो बहुत बढ़िया तो भाई कोई वैसा तजुर्बा है कि जैसे लास्ट के दिन जैसे नींद ना आए कल कॉम्पिटिशन है तो... नहीं वो तो आती ही नहीं है क्योंकि आप पानी छोड़ रखा होता है और सॉल्ट आपका बंद होता है और एक पानी निकालने के भी जो औजार होते हैं वो पूरी रात आपको बाथरूम में बितानी पड़ती है बार बार जाके अच्छा बार बार वो हाँ, वॉशरूम जाना, जाना पड़ता है उससे तो वही होती है नींद वैसे भी नहीं आती कि कल क्या होगा बट बजे नींद आ जाती है मुझे तो और सुबह खुलती है बजे आराम से तो ऐसा कुछ भी नहीं अब तो आदत हो आदत हो भाई जैसे हमने कई वीडियो देखी है और कई लोगों की ना अब ये थिंक ऐसी बन गई कि जिम जाने तय जैसे कई ट्रेडमिल मिल पे चलते चलते किसी को भाई अटैक आ गया या फिर एक्सरसाइज करते वक्त किसी को आ गया कि भाई जिम करने तय अटैक आ सकता है भाई ये मैं वो हो गया लोगों की सोच होगी क्या कहना चाहूंगा इस बारे में भाई मैं ये कहना चाहूंगा तो जैसे मैं ट्रेनर और हाँ भाई हूँ जिम भी है तो अगर आप ही मेरे पास आओगे भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है मतलब मैं आपसे पहले यही पूछूंगा भाई आपको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है जी। अगर आप मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन देते हो नहीं भैया कोई नहीं है तो मैं आपको धीरे धीरे जैसे दस पंद्रह मिनट पहले ट्रेडमिल कराई एक डेढ़ महीना आपकी बॉडी को रूटीन में लाएंगे अच्छा वो बॉडी रूटीन में पहले रूटीन में आएगी अगर आज का टाइम ना खाने का बहुत बड़ा वो रोल है कि खाना पहले जैसा रहा नहीं और जो नए ट्रेनर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जल्दी से गिरा दे सामने हाँ। वाले आदमी को और अपना फ्री हो और एक तो मेरा ये मानना है जिसकी जहाँ लिखी है ना वो वहीं होनी है बस जिम इसमें बदनाम हो जाता है कि कोई बंदे जिम में मर जाए नहीं खेलते तो मैंने देखे फुटबॉल में भी फुटबॉल में बाहर रोड में भी मरे हैं रोड पे चलते चलते भी मरे हैं तो उन्हें देखते नहीं है जिम वालों को बदनाम कर रखा है तो भाई ना भी नितिन भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है जैसे बाकी तो जिम ट्रेनर को पता ही होगी लेकिन गौर करना जैसे अगर किसी की जिंदगी आपके हाथ में है तो एक बार उससे पूछ लो कि भाई जैसे तो भी तो भी तो भी कि कहते हैं कि जो अच्छी मसल्स गेन करने के लिए अच्छा प्रोटीन नॉन वेज से मिलता है अगर नॉन वेज नहीं खाओगे तो अच्छी बॉडी ना बनेगी तो भाई भाई देखो मैं तो

देख तो ऐसा मन करता है कि जब होता ना नॉन वेज खाने का ही मन नहीं करता अच्छा छोड़ ही देता हूँ बिल्कुल अब जैसे मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहा तो मैं छोड़ रखा मैं नहीं खा रहा तीन चार महीने मन ही नहीं करता देखने का खाली आलू की सब्जी पनीर गोभी ये अच्छी लगती है फिर क्योंकि आदमी पक जाता है खा खा के ओके okay. तो मज़। हमारी मजबूरी है भाई प्रोफेशनली है वेट 120 किलो प्लस नहीं खाऊंगा तो हवा निकलती रहेगी हवा निकलती तो मेंटेन रखने के लिए खाना पड़ता है बहुत बढ़िया भाई भाई एक चीज और होती है कि हमें ना बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट और स्ट्रोड वो वो बॉडी में जाता ही जाता है ऐसा कुछ है या बिना इनके भी बॉडी बन जाएगी नहीं बॉडी तो बन जाएगी आपने थोड़ी ले आप भी तो अच्छे लग रहे हो बैठे ना मैंने ले रखे हैं भाई पहले हाँ भाई मैं बता रहा हूँ मेरा साढ़े सत्रह अठारह इंची डोले रहे हैं मैंने ले रखे हैं मैं इसलिए आप बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी मैं तो तो आदमी को पता होनी चाहिए तो अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको साफ मना करूंगा गलती से भी इस लाइन में इंजेक्ट वगैरह मत करना मत कर बॉडी को खराब मत करना क्योंकि बहुत से भाई बोलते हैं लिमिट में लोगे तो साइड इफेक्ट नहीं है भाई साइड इफेक्ट है आज नहीं आप जब 50 में आओगे 60s में आओगे 70s में आओगे तो कुछ ना कुछ होंगे हो गए अभी तो बॉडी शायद इसलिए एक नहीं, नहीं तो मैं मैं हाँ। तो इस दूर रहे बहुत गंदी और मतलब गंदी तो नहीं बॉडी बिल्डिंग बहुत प्यारी चीज है बट हमारे इंडिया में इसको रिस्पेक्ट नहीं है हाँ भाई रिस्पेक्ट समझ गया अगर एक आदमी मैं भी कहीं जाता हूँ ना मतलब जैसे पेट्रोल पंप पे तो लोग बोलते हैं कि भाई एक बार ऐसे कर दो क्योंकि उनके लिए आप आइडल हो अब आप, देखो भाई क्या होता है जैसे हम है हमसे बोल देगा भाई फोटो हो जाए हम कंधे पाथ रख के ये करवा देंगे आप तो वो उम्मीद करते हैं ना भाई एक बार ऐसे कर दो भाई उनका ऐसा लगता है इंटरनली वो फील आती है की यार वो नहीं है दिखाने का क्या फ़ायदा हाँ भाई वो है पर अंदर तो ये लगता है कि भाई अगर स्टेज पर हूँ तो थोड़ी मेहनत भी करें बाकी भाई एक और चीज़ है जैसे कि एक बॉडी अच्छे त अपनी मेंटेन रखने के लिए बॉडी बिल्डर जैसे रहे तो उस पर अपने ऊपर ही काफ़ी खर्चा हो जाता है भाई है ना ये बात मैंने एक वीडियो बनाई थी हमने नॉर्मली वर्कआउट की तो उसमें डिस्कस करी थी कि मेरा मंथली खर्चा इतना होता है तो बहुत से भाई ने उसमें मुझे बोला भाई तुम डीमोटिवेट कर रहे हो मैं ये कर रहे हो वो कर रहे हो तो यार आदमी दस हजार से भी जिम कर रहा है जी। और आदमी दो लाख से भी जिम कर रहा है मेन ये है कि जितना मीठा आप डालोगे जितनी चीनी आप डालोगे उतना मीठा पानी पियोगे ओके जितनी अच्छी डाइट हम लेंगे हाँ, उतनी अच्छी बॉडी आप पाओगे हाँ, पाओगे वो वाली बात होती है कि इस लाइन में तो कितना इन्वेस्ट कर लो आप क्योंकि एक चीज जो अच्छी आप लोगे अच्छा प्रोटीन आप ले रहे हो वो दस हजार से शुरू है मतलब दो हजार से लेके प्रोटीन दस हजार तक है समझ गए अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा खाना चाह रहे हो ये सब है ओके okay, तो ये टोटल बात यही है जितना गुड़ उतना मीठा भाई भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाए हाँ बिल्कुल भाई जैसे कि आप जब पहली बार इस लाइन पे उतरे कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो घर वालों ने कहा ना कि भाई जैसे कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे नहीं नहीं है ना मैं मेरे घर के शुरू से सपोर्टिव थे मेरे फादर मम्मी अब तो वाइफ भी है वो भी अच्छा। सपोर्टिव है तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला और मैं मैंने पहले भी बोला है कि सामने से ही मुझे पापा ने बोला था कि एक बार प्रोटीन ट्राई करके देख अच्छा <laughs> तो फैमिली ने काफी सपोर्ट किया तो हमने कुछ अच्छा करके भाई है। ये है कि जैसे नॉलेज होती है तो वो भाई अपने बच्चों को सपोर्ट करते हाँ। हैं ये ना कि आपकी सोच की बात है कि क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो तो फैमिली से तो सपोर्ट मिला उन्होंने कभी बस ये बोला कि देख के देख के कि मतलब हिसाब से नॉलेज कोई कोई गलत चीज ना हो गलत चीज ना हो अपने टेस्ट वेस्ट कराते रहो

<laughs> यार भाई ये तो बता नहीं ना? <laughs> ना ना बताने को तो इतनी है भी नहीं यार मैं तो बस वो है कि जितना मैं कमाता हूँ उतना तो शरीर पे लगाता हूँ हाँ, घर मतलब उक... मतलब हाँ, परिवा... परिवार से तो देखो कोई परेशानी नहीं है वहां से तो ऐसा है की अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे खाली बैठ जाएंगे तो घर के ऊपर बोझ नहीं है बोझ ना बहुत अच्छी बात है की हम बोझ नहीं है बस अपना ये है की जितना कमा रहे हैं उतना अपने ऊपर ही लगा रहे ना घर दे रहे ना कुछ कर रहे खा रहे हैं कमा रहे हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं है। बहुत भाई। तीस के तो है। फिर कहा मन करा कहीं आने जाने को बस खाओ पियो भी तो मैं अपने भाइयों को भी बोलता हूँ सरदर्दी छोड़ो ये जो जो सब तुम देख दाख रहे हो एक जीवन मिला इस पे भी और आ जाता हूँ मैं जो देख दाख रहे हैं भाई भाई अभी जैसे आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ज्यादा चल रहा है तो कुछ मैं इसमें ये कहना चाहूंगा भाई जैसे मैंने आपको भी आपके भी आपके व्लॉग में बोला कि सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है जी मुझे वहां पे वही दिखाना पड़ेगा जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है डेली का उन्हें वही दिखाना पड़ेगा और सबके जीवन में भसड़ा भाई सबके में बट कैमरे के सामने लोग कुछ और है कैमरे के पीछे कुछ और है और जो लोग आपको कैमरे में जो दिखा रहे हैं ना वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है तो मैं यही मतलब भाई दिखावा को चलता भाई, आ, भाई भाई है भाई सोशल मीडिया भाई सोशल मीडिया है ही दिखावे की हाँ। अगर दिखावे हाँ ये की तो भाई मुझे भी पता है अगर सोशल मीडिया दिखावे की नहीं होती तो शायद आज मैं आपके पास नहीं बैठा होता अरे भाई ये है कि सोशल मीडिया पे दिखावा तो भाई चलता है और सबसे बड़ी बात कि भाई अपनी लाइफ में अच्छा करो क्योंकि तुम किसी ना किसी के आइडल हो जीवन में बस ये है कि अगर मेरा तो एक सीधा सा सिंपल उसूल रहा भाई जी अगर मैं किसी को अच्छा नहीं बता सकता तो मैं किसी को बुरा भी नहीं बताता नहीं बताते बहुत। बात कि इतना है कि भैया जितना पता है उतना पूछ लो उसके आगे मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम ऐसे कर दो ऐसे कर दो क्योंकि मुझे ही नहीं पता तो मैं कैसे आपको किस हक से बोल सकता हूं कि तुम ये कर दो बहुत बस अपने अपने जो आपका एक गोल है जितने मेरे भाई मुझे देख रहे हैं मैंने आपको फिर यही बोलूंगा कि अपनी मेहनत करो और जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो मेन है कि सही इन्फ्लुएंसर अपना चूज करो जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए ले और जिसकी बात आप दिमाग में डालो क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर सब भाइयों हमें जीवन में सीधा सा कि नित्य किसी के लिए उल्टा बोलना नहीं है नहीं। क्योंकि मैं उल्टा सुन नहीं सकता हाँ भाई मेरे अंदर अगर मैं बनू भाई आपको उल्टा बोलूंगा तो मुझे पता है क्या उल्टा बोलेगा मेरे में वो शक्ति नहीं तो ना किसी को बोलो ना किसी का सुनो सुनो ये सीधा सोच रहा है और अगर कोई बोलता है तो उसका इलाज मैं अच्छे से करता हूँ ऑफ कैमरा लड़ाई भी होती है बहुत होती है तो अच्छा आपका कहने के मतलब सोशल मीडिया पर नहीं मतलब क्यो, ये क्यों नहीं। दिखा नहीं। क्यों दिखानी क्यों दिखाने भाई ये कि बदले में अगर कोई गाली भी दे तो भाई अपनी तो खत्म हो देखे तो जा रहा है <laughs> अगर कोई गाली भी दे रहा तो कुछ देखे तो जा रहा, तो थोड़ी तो रहा है बाद में कभी मिला जीवन बहुत बड़ा कभी कहीं तो मिलेगा <laughs> तो भाई डायरेक्ट है देखो यू? आ, कि भाई अपने प्यार रहो यार मस्त जिंदगी में जीवन जीओ यार एक जीवन मिलाओ कल क्या पता आज मैं यहाँ बैठ कर आप ज्ञान दे रहा हूँ कल कुछ आते जाते मेरा कुछ हो जाए भाई सुन रहे हो भाई पर देखो जीवन में बहुत कुछ देखना पर जितनी लिखी है उसे अच्छे से जियो और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ हम यहाँ पे ना एक काम करने आया बस हाँ। और वो सारा कर रहे हैं अपना, अपना भगवान हाँ। है। ने भेजा हुआ मेरे साथ ऐसी अपोजिट हो जाता है हाँ। हमारी सोच सोच तो बिल्कुल अलग तो ये जीवन बस खुशहाल जियो और किसी का दिल मत दुखाओ रात को जब सो मेरा तो एक सीधा भाई मैं जब रात को सोता हूँ ना तो मैं अपने आप से यही सवाल करता हूँ कि चैन से सो रहा है ना किसी कुछ गलत तो नहीं कर रहा हाँ बस बिल्कुल भाई एक एक चीज़ और अब थोड़ा सोशल मीडिया तो अलग अलग चल के करते हैं हालांकि एक एक बात भाई ध्यान तो सुन लो कि सोशल मीडिया इसलिए बनी है एंटरटेनमेंट थोड़ा देख लिया कोई मनोरंजन के लिए मतलब समझ रहे हो ऐसा आप तो भाई अपने सुकुल जाओ मौज काटो भाई जब लाइफ में पहली बार मेडल आया आपका तो उसका तजुर्बा बताओ मतलब

मुझे जो असल वहां से किक मिली मतलब जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ उस दिन जी, से बनाऊँ चौदह या पंद्रह फरवरी को कंपटीशन था 2018 में वहां पे वो तीन बंदे थे मेरे वेट में मैं और दो और थे उन्हीं तीन बंदों में मेरी थर्ड प्लेस आई थी <laughs> पहली और आखिरी बार आई थी उस जीवन में और तो मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोया था मैंने ये हुआ क्या तेरे साथ

अब तो ये तो हो गया अब क्या करेगा क्या करेगा कि भाई ये तो सारा कुछ ये हो तो हो लिया मतलब एक वो खुशी होती है जो मेडल की वो खुशी होती है ये मैंने टाइगर भाई को बताई थी जो उस मेरा जी कि उन्होंने बोला टाइटल मार दिया आधे घंटे तुम तो खुश रहे मार दिया मैंने फिर अब क्या करे इसका मैंने अब तो हो गया मैंने अब आगे क्या करना है कह रहे तुझे खुशी ही नहीं है भाई नहीं है तो नीमन जितनी थी वो मना ली मनाली अब क्या करें बिल्कुल भाई तो बस ये है कि कभी जीवन में सेटिस्फाई मत होना जिस दिन सेटिस्फाई हो गए उस दिन उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे बहुत बढ़िया भाई एक चीज और है कि जैसे मैंने देखा है कि जो अच्छी सेहत बनी रहे और बिल्कुल फिट रहे तो जो आम लो, आम लोग तो ना बोल सकते जो वैसे लोग रहे हैं, उन्हें देख के ना वैसे जज करते हैं कि भाई इनमें एटीट्यूड होगा इनमें घमंड होगा अगर इन तो बोलेंगे तो ये गुथ जाएंगे मार देंगे तो वह बारे में भाई थोड़ा समझाओ का जवाब आप ही मुझे दे दो आज हम दूसरी तीसरी बार मिल रहे हैं हाँ भाई आपने मुझे, मुझे लेके। सच सच, मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने बिल्डिंग कर है भाई और मैं, बिल्डिंग में फेलियर मैं अपने पॉडकास्ट में बता रहा हूँ मैं फेलियर रहू भाई और आपका मैं देखता हूँ भाई रील वगैरह नेचर मुझे पहले तो पता था सॉफ्ट है भाई एकदम की नॉर्मल है लेकिन बात एक रहती है कि इंसान तो जब पहली बार मिलते हैं ना कहीं अगर उस इंसान पर हल्का सा एटीट्यूड दिख जाए तो हमें थोड़ा मुड़ना पड़ता है भाई मुझे बस ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई पहली बार देख के एकदम ये बोल रहे ना फिर वो चीज़ भाई हम आगे ना बढ़ा सकते लेकिन भाई तो पहली बार मिले तो एकदम ऐसा नहीं चलता अरे मास्टर जी आओ तो ऐसा लग रहा था कि हम पहले पता ना कितनी बार मिल रखे यार भाई आज इतनी गहरी दोस्ती भाई साथ बैठे यार तो इस चीज में मैं ये कहना चाहूँगा मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में बोली कि हमारे इंडिया में ना बॉडी बिल्डिंग की रिस्पेक्ट नहीं है

हाँ। अभी जब तक प्रोटीन को आप डब्बा बोलोगे बोलो ना तो यार वो सुन के बुरा लगता है हाँ। अभी एक गाना ही गाया हमारे में कि पाउडर खा के बॉडी बन जा दो महीने में, हाँ। में बना के दिखाओ ना बना के दिखाओ अगर पाउडर से बॉडी बनती है आठ दस हजार का है कोई भी कहीं से भी अफोर्ड कर लेगा चल हाँ। मैं लाख रुपए कह रहा हूँ लाख रुपए आप नहीं नहीं दो दो मेरे पर बना ऐसे बनती भाई से है बॉडी पूरा डिसिप्लिन होता है डिसिप्लिन में रहना है डिसिप्लिन से खाना है और ट्रेनिंग के साथ गद्दारी नहीं करनी हाँ, और जैसे लफंडरगिरी होती है वो छोड़नी पड़ती है पहले जो मैं था और जो मैं आज हूँ जमीन आसमान का फर्क है हाँ भाई पहले मेरा क्या होता था गाड़ी ली गाड़ी कहीं ली गए अच्छा कुछ भी खा लियो कुछ भी पी लियो और जो आज का मेरा टाइम टेबल है मतलब तो बिगड़ा हुआ है पिछले एक डेढ़ साल से बट जो मेरा 21 में 20 जो दिन थे वो ऐसे थे सुबह सात बजे उठना है जी। मील खानी है जी। ट्रेनिंग करनी है वापिस घर आना है थोड़ा सा काम धंधा करना है घर का कोई काम हो वो करना है देन अपना दो चार पाँच घंटे रेस्ट करना है फिर उठना है खाना है फिर सोना तो यही है भाई बहुत बढ़िया है मेरा बेटा है एट्थ क्लास में है ईशान चहल उसका है कि पापा एक बार पूछना जरूरी क्वेश्चन कि जैसे मैंने ऊपर जिम बना रखा है तो वो करता ना वो कहता है कि सब बोलते हैं जिम करने तो हाइट रुक जाएगी हाइट मेरा मानना है जब मैंने जिम शुरू करी थी मैं था पंद्रह चौदह पंद्रह साल का जी पहले ऐसे ही करी थी नॉर्मली फिट रहने के लिए मतलब बॉडी बनानी है है तगड़ा होना उस वाले में थे और हाइट भी मेरी ज्यादा नहीं थी बट हाइट होती है जेनेटिकली अच्छा। ना उसकी कोई दवाई होती ना उसकी कोई गोली होती ना तुम तुम्हारे लटकने से हाइट बढ़ेगी ना तुम्हारे भागने से बढ़ेगी नाइनटी अच्छा। एट ऐसा चांस होता है कि आपकी हाइट जाएगी आपके मम्मी पापा पे भाई जैसे लटकने या रेस वेस लगाने एक आध इंच का फर्क तो पड़ जाता होगा भाई मुझे नहीं लगता मेरा मानना है कि जेनेटिक्स से बढ़ता है जेनेटिक्स आपके अच्छे हैं तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी या पापा की अच्छी है और मम्मी की नहीं है अगर आप मम्मी पर चले गए तो छोटे रह जाओगे हाँ और मतलब पापा और मम्मी दोनों की अच्छी है फिर तो आपकी हाइट मतलब मैं जा नहीं जानिए जा नहीं जानिए बट दो परसेंट तो। पर ऐसे केस होते हैं जो बट ना बढ़े ना बढ़े बिल्कुल बहुत बढ़िया तो भाई अभी चलते चलते ना एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा मैसेज दे दो भाई हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना नितिन चंदीला भाई की ओर एक मतलब ऐसा मैसेज दे देना जो आप आइडल हो भाई इनके मैं अपने, अपने भाइयों से हमेशा ये बोलूंगा भाइयों जीवन में प्रॉब्लम सबके होती है वो प्रॉब्लम लेके आप बैठोगे तो बैठे ही रहोगे मेन है कि हमें प्रॉब्लम फेस कैसे करनी है और जीवन में बस आपका एक टारगेट होना चाहिए कोई गोल आपका सेट होना चाहिए चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में है क्रिकेट में है स्टडी में है या आपके घर के काम में है या आपके खेती बाड़ी में है काम कोई भी छोटा नहीं होता बस आप मेहनत करने वाले बनो फल लेके भोले बाबा स्वयं बैठे पड़ेगी बेटा तू मेहनत कर आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और एक होड़ा होड़ जो होती है ना देख के काम करना वो मत करो क्योंकि हमने वही काम करे कि सामने वाला ये कर रहा तू भी करके देख वो सामने वाले के लिए बनाया शायद वो इसलिए कर रहा है तो आप ये चीज़ ध्यान रखो सब कुछ जीवन में लिखा पड़ा है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा किसी का बुरा करोगे ना चाह के भी तो भुगतना पड़ेगा और हम सब चीज़ के भुगत भोगी हैं एज शायद मेरी पच्चीस छब्बीस साल है अभी जी बट एक्सपीरियंस जीवन में भाई बहुत करा है हर तरीके से करा है तो बस यही है कि और माता पिता से प्यार करो उनसे बड़ा कोई नहीं है उनकी इज्जत करोगे तो भगवान हमेशा ही देगा और बदमाशों के पैर छूने से अच्छा माँ बाप के पैर घर से निकलो भाई कितनी बढ़िया बात कही है बहुत प्यार में कर्म करो फल की इच्छा मत करो और भाई तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे भगवान है वही तुम्हारा आइडल है उनके कहने पे चलो कामयाबी जरूर मिलेगी तो नितिन भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो ऐसे थोड़ी अभी तो अभी तो पूरा ज्ञान को भंडार इंस्टाग्राम का तो मेरा ये है बहुत फेक आईडी बन रही है किसी के साढ़े चार किसी पे साढ़े तीन लाख ऐसे है तो उनसे कहना चाहूंगा आज मतलब यूट्यूब पे फिर पेज बना रखे है तो 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 भाई ये बोलिया पर बोलिए तुम्हारी आइडिया मेरे कुछ बढ़ जाएंगे <laughs> <laughs> इतने हमारी वीडियोस पे वीडियो नहीं आते जितने उन पे आते हैं यार भाई एक बार बता दो मेरी जो मेन आइडिया है भाई वो है नितिन चंदीला और आप उसे खोलोगे तो उसमें नितिन महिपाल चंदीला आएगा महिपाल मेरे पिताजी का नाम है ठीक है है जी तो तो उसमें मेरे अभी है, तो आप उसे कर सकते हो एक ही आईडिया फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सब पे नितिन चंदीरा लिखा हुआ है तो यही है बस तो भाई मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा भाई की आईडी जाके एकदम कर दिया और अपने भाई फ्री, एट द रेट फरीदाबाद दोनों फटाफट फॉलो कर लो और यही गैल चलते हैं जय श्री राम